दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीए सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर फाइनल ईयर का रिजल्ट आ चुका है, यानी फाइनल ईयर का रिजल्ट शो हो रहा है और सेकेंड ईयर का जस्ट आने वाला है। तो आप मोबाइल फ़ोन से कैसे चेक कर सकते हैं, घर बैठे निकाल सकते हैं अपना रिजल्ट। तो आपको सर्च करना है MGKBP, ध्यान से देखिएगा, .ac.in, इसको आपको गूगल में सर्च कर देना है। आपके सामने लाइव प्रूफ मैं मोबाइल से ही बता रहा हूँ। फर्स्ट वाली साइट जो आपको मिलेगी उस पर क्लिक कर देना है, बहुत ही सिंपली आसान तरीका से बताऊँगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ प्रकार से इंटरफेस आपका आएगा, ओपन होगा। ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की मेन वेबसाइट है। अब आपको कहाँ पे जाना होगा जहाँ से आपको रिजल्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे जो आप नहीं जान पाएंगे। तो आपको यहाँ पे मोबाइल फ़ोन में 3 लाइनिंग का ऑप्शंस दिखाई देगा, जो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपकी 3 लाइनिंग, इस 3 लाइनिंग पर आपको क्लिक कर देना है। कर दिया, क्लिक करने के बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे जो देख सकते हैं आप। इसमें अब आपको आना है स्टूडेंट वाले ऑप्शंस पे। स्टूडेंट वाले ऑप्शंस पे आने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशंस सेकेंड वाला ऑप्शंस एग्जामिनेशंस पे क्लिक करना है। एग्जामिनेशंस पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो इस प्रकार से आपकी साइट फिर से ओपन होगी। दोस्तों एग्जामिनेशंस ओपन करने के बाद इस प्रकार से आपका इंटरफेस आएगा आपके मोबाइल फ़ोन में। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ। यहाँ पे सबसे लास्ट अपन स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शंस मिलेगा, सबसे लास्ट वाला जो आप दिखा देता हूँ इस प्रकार से करके, ये लास्ट वाला है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी बहुत सारा प्रोसेस है जो आपको जानना ज़रूरी है। क्लिक करने के बाद स्टूडेंट लॉगिन के लिए यहाँ पे आपको मांग देता है एनरोलमेंट नंबर, जो KA2K कर आपका मिला रहता है प्रवेश पत्र पे, KA2K करके, वो आपको पता होगा। यहाँ पे वो आपको फिल करना है और नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और कैप्चा फिल कर लॉगिन करना है। मैं कर आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट टाइम डेट ऑफ बर्थ आपको इस प्रकार से चूज करना होगा, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उस पर आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शंस दिखाई देगा 2022, तो उस पर क्लिक कर आप अपने डेट ऑफ बर्थ पे डायरेक्ट जा सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। देखिए मैंने क्लिक किया और मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ। उसके बाद कैप्चा डालने के बाद लॉगिन वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। दोस्तों अब ये रहा आपका डैशबोर्ड। दोस्तों इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड ओपन होगा, जो बहुत ही प्यारा डैशबोर्ड ओपन होगा। अब इसमें आपको करना क्या है, आपका रिजल्ट देखना है, जो आपको किस प्रकार से रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे फिर से आपको 3 डॉट की लाइनिंग मिल जाएगी मोबाइल फ़ोन में, जो आपको दिखाई देगा। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस पर आपका नाम आएगा। दोस्तों क्लिक करने के बाद अब नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे आपको एकेडमी रिजल्ट, आपको स्टूडेंट लेजर के नीचे एकेडमी रिजल्ट का ऑप्शंस दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं अभी ये ब्लैंक दिखाई दे रहा है, यानी खाली दिखाई दे रहा है। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपका व्यू रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा 100%। तो इसी प्रकार से आपको फर्स्ट टाइम देखना है।